वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो हुआ था और उसके बाद जो एडमिशन फॉर्म फिल किए गए थे उन सब की डेट्स जो है वो ख़त्म हो गई हैं। मतलब कि अब पीजी में वही बच्चे एडमिशन लेने के काबिल बन सकते हैं या ले सकते हैं जिनका एडमिशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और करेक्टली फिर सबमिट हुआ है। अब जो कुछ बच्चे रह गए हैं वो शायद इस पीजी की दौड़ से बाहर होंगे। रेगुलर पीजी एडमिशन अभी उनके लिए चांसेस हैं, वो डिस्टेंस में या फिर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं सब्जेक्ट टू की उनका रिजल्ट अगर उस एडमिशन प्रोसेस के इन बिटवीन आ जाता है और उनकी ग्रेजुएशन जो है वो फुली क्लियर हो जाती है। लेकिन अब जो प्रोसेस है पीजी रेगुलर कैंपस या अफिलेटेड कॉलेज के एडमिशन का वो ऑलमोस्ट जो है फाइनल स्टेज पे पहुंच गया। फाइनल स्टेज मतलब कि जैसे एक टूर्नामेंट में फाइनल होता है इसी तरह अब ये एडमिशन का एक फाइनल प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा दिए अब उन्हीं बच्चों में से मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने का आपको तरीका पूरा पता है, 75% वेटेज उसकी एंड 25% वेटेज जो है वो एंट्रेंस टेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट बनेगी। पहले जनरल कैटेगरीज के मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद फिर रिजर्व कैटेगरीज और लास्ट में जो फाइनेंशियल सीट्स की कैटेगरी की मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अब एडमिशन शेड्यूल शुरू होगा। अब एडमिशन शेड्यूल का मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपकी अब लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है कि आपको अपनी एडमिशन लेनी है और उस एडमिशन लेने के लिए आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, आपको बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। एज पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 6 अगस्त को आएगी, सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो 19 अगस्त। अब नोटिफिकेशन में 2 मेरिट लिस्ट लिखी गई हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, उसमें भी लिखा गया इफ़ सेकेंड रिक्वायर्ड। बट आपको मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक कोर्स की मिनिमम जहाँ तक मैंने देखा है 5-6 मेरिट लिस्ट आती हैं, कभी कभी कोर्सेज की 10-10, 15-15 मेरिट लिस्ट है आनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, स्टूडेंट्स का जो लिस्ट आती है उसमें कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं कुछ नहीं लेते। ज़रूरी नहीं है कि एक 30 बच्चों की एडमिशन लिस्ट आएगी वो 30 के 30 ही एडमिशन ले जाएंगे, क्योंकि जिस बच्चे का एक मेरिट लिस्ट आपने देखा है कि 6 परफॉर्मेंस आप भरते हो तो वो बच्चे का ये भी हो सकता है कि उसने जो अपनी सेकंड चॉइस दी है उसमें मेरिट लिस्ट में भी उसका नाम होगा, थर्ड चॉइस वाली भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा। अब उसकी मर्जी है वो किस में एडमिशन लेना चाहता है। अब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट की एडमिशन हो जाती है, सपोज करो 30 की लिस्ट आई है, 30 में से 20 बच्चे रहते हैं, 10 की सीट्स वेकेंट है, यूनिवर्सिटी सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेगी। अब सेकेंड में कुछ लेते हैं फिर थर्ड फोर्थ इसी तरह से। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यूनिवर्सिटी कोई भी सीट वेकेंट नहीं छोड़ेगी, वो तब तक एडमिशन प्रोसेस चलाता रहेगा डिपार्टमेंट जब तक उस डिपार्टमेंट की सभी सीट्स फिल नहीं होती। और कभी कभी ये जो एडमिशन प्रोसेस है 1 महीना 1.5 महीने तक चलता रहता, कभी कभी लास्ट में ऐसा आता है हर दिन मेरिट लिस्ट आती, सुबह 10 बजे निकालेंगे 4 बजे तक टाइम होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये वाले बच्चे को 2 बजे तक टाइम है, ये वाले बच्चे को 4 बजे तक टाइम है कि अगर एडमिशन करवा गया ठीक है, निकले तो नेक्स्ट। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सभी की सभी सीट्स फिल नहीं होंगी। फिर ये भी होता है आपने एक कोर्स में एडमिशन ली, क्या पता दूसरी आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे आपका उस कोर्स में नाम आ जाता है, शायद वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि नहीं मैंने ये नहीं दूसरे कोर्स में जाना, फिर आप क्या करोगे इधर वाले कोर्स से अपनी एडमिशन कैंसिल करवाओगे, दूसरी साइड लोगे। जब कैंसिल करवाओगे यहाँ पे एक सीट वेकेंट हो जाएगी, अब यूनिवर्सिटी वो सीट की भी मेरिट लिस्ट निकालेगी, वो सीट्स भी फिल करेगी। तो ये चीज़ एक माइंड में बना के चलो कि सीट्स वेकेंट नहीं छोड़ने वाली कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे मेरिट कितने से कितना लो क्यों ना चला जाए उसको फिल करने में। अब प्रोसेस आ जाता है कि एडमिशन शेड्यूल क्या हुआ,
आपको मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, एडमिशन शेड्यूल जो है ना, हर डिपार्टमेंट का अपना शेड्यूल बन के आएगा, ठीक है? क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने एक, ठीक है, पहली मेरिट लिस्ट शेक हुआ वो सभी की शेक को निकल जाएगी, दूसरी जो सभी की नो को निकल जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो आपको उस डिपार्टमेंट के इन टच में रहना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट का अपना एडमिशन शेड्यूल चलता रहेगा और वो ज़रूरी नहीं है कि आपके इंटरनेट पे आएगा कि थर्ड हम इतनी को निकालेंगे, फोर्थ इतनी को निकालेंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट देखेगा कितनी सीट्स वेकेंट हैं और उसको कितने जल्द टाइम में हमने कवर करना है। तो ये आपको उस डिपार्टमेंट के इन टच में रहना ही पड़ेगा, जिस डिपार्टमेंट में आपने फॉर्म भरा है और जिसके लिए आप चाहते हो एडमिशन। मैंने वही चीज़ बताई कि कभी कभी ऐसा लास्ट स्टेज में ऐसे मेरिट लिस्ट आती है कि 10 बजे ये बच्चों को, 12 बजे तक ये वाले बच्चे, 1-2 बजे तक ये वाले बच्चे, ठीक है? तो उस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने घर इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन आएगी फिर मैं अपने घर से चलना शुरू होगा, फिर मैं जाऊँगा, फिर पहुँचूँगा। नहीं, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इस एडमिशन प्रोसेस में। तो उसके बाद जब जनरल सीट की एडमिशन हो जाती है, फिर रिजर्व कैटेगरी की मेरिट लिस्ट आती है, जैसे एससी एसटी आपने जो भी फिल किया, फिर ऐसा होता है कि उधर से जनरल सीट्स भी वेकेंट होती जाती हैं, रिजर्व्ड भी, फिर दोनों मेरिट लिस्टें इकट्ठी आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ा हैक्टिक प्रोसेस होगा आप लोगों के लिए और आपको बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते कि वो इंटरनेट पर लिखा था तो अब यही होगा वो ही होगा, बस इंटरनेट में फर्स्ट टू मेरिट लिस्ट का ही जिक्र आता है। उसके बाद फिर वो डिपार्टमेंट की जो एडमिशन कमेटी होती है वो डिसाइड करती रहती है कि कब कितने देर का टाइम देना, कभी 2 दिन का टाइम देते हैं, कभी 1 दिन का टाइम मिलता है एडमिशन कराने का। अब मैं यही आपको ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि आप मेरिट लिस्ट के लिए टोटली इंटरनेट पे डिपेंडेंट ना रहो। अब ये मत सोचना कि अभी इंटरनेट पे मेरिट लिस्ट नहीं आई तो मतलब अभी वहाँ हुई नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी मेरिट लिस्ट होगी, वो डिपार्टमेंट खुद बनाएगा और अपने नोटिस बोर्ड पे पब्लिश करेगा, और इंटरनेट पे आते हुए कभी मेरिट लिस्ट को टाइम भी लग जाता है। वो तो नेचुरली होता है, कभी कभी यह होता है कि डिपार्टमेंट फिर वो लिस्ट आईटी डिपार्टमेंट को भेजेगा, आईटी डिपार्टमेंट फिर नेट पे अपलोड करोगी, तो इन चीज़ों के बीच टाइम हो सकता है। आईटी डिपार्टमेंट के पास जकदम 50 मेरिट लिस्टें आ जाती हैं तो उनको अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए ये आपको होगी कि अब मैं भी कहूँगी कि मैं भी अब अपलोड करूँ तो मेरे लिए भी ये चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं होगी। 50 सब्जेक्ट की एडमिशन हो रही है, 50 मेरिट लिस्टें एक साथ ढूंढ के लाना और अपलोड करना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, आपके लिए एक तरीका ये है कि आप कोई फ्रेंड सर्कल बना लो, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर एक भी पर्सन जाए और जाके देख ले, वो आपको शेयर कर दे, अगर आपके पास मेरिट लिस्ट आती है मेरे को भेज दो, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो वो एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जो तो बच्चे जम्मू के हैं वो रोज़ विज़िट कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चा बाहर राजौरी में है, पुंछ में है, उधमपुर में है, कठुआ में है, उन लोगों के लिए रोज़ रोज़ विज़िट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन करना पड़ेगा, क्या आपको किसी के इन टच में रहना पड़ेगा, जो आपको कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाने पड़ेंगे कि जिससे आपको रोज़ की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। मैंने फिर कह रहा हूँ कि हर इन्फॉर्मेशन नेट पे नहीं आ सकती, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का वो होता है। अब प्रीवियस ईयर मैंने देखा कि इंग्लिश की जो मेरिट लिस्ट थी वो नेट पे पब्लिश हुई ही नहीं, तो भी इंग्लिश की जो नहीं है पब्लिश हुई, तो अब वो आपको अपने डिपार्टमेंट से ही पता चलेगा। अब एक चीज़ हो रहा है, कुछ डिपार्टमेंट मेरिट लिस्ट के ऊपर एडमिशन करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट काउंसलिंग के बेस पर एडमिशन करते हैं। अब लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, एमएड और एमसीए की काउंसलिंग हुई थी, जिस दिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उस दिन उन्होंने सभी बच्चों का रैंक निकाल के पब्लिश कर दिया था और कह दिया था आ जाओ एडमिशन करवाने के लिए उसी दिन। तो उसमें ये बड़ा सारा हुआ था कि लो मेरिट वाले बच्चे एडमिशन ले गए थे, हाई मेरिट वाले बच्चे पीछे रह गए, क्योंकि वो काउंसलिंग शेड्यूल था, काउंसलिंग में जो पहले पहुँच गया वो पहुँच गया। अगर उन्होंने कहा फर्स्ट रैंक हाजिर हो, अगर वो नहीं है तो ओके सेकेंड रैंक वाला आ जाए। अब उस केस में भी डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं होता। अब देखो कि एमसीए की जो काउंसलिंग है, इन्होंने अभी से नोटिस पब्लिश कर दिया, मैंने शायद आपको पब्लिश करके दिखाया भी था, उन्होंने बोल दिया था कि 6th को आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आप 10 बजे शार्पली पहुंच जाओ,
अगर आप नहीं आता तो डिपार्टमेंट का भी कसूर नहीं है। तो जो बच्चे आ जाते हैं वो अगर उनको एडमिशन का चांस बनता है तो मिल, इससे केस ये हो जाता है कि अभी लोवेस्ट वाले को भी एडमिशन मिल जाती है, कभी हाइस्ट वाला रह जाता है, क्योंकि आप फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो। इसमें दोष किसी का भी नहीं है, जब आपको बताया गया कि 6 तारीख को एडमिशन होनी है, आप नहीं आ रहे, तो किसी का कोई दोष नहीं। इसी तरह एमएड की एडमिशन्स हुई, बड़े सारे मैंने बच्चे देखा, बड़े सारे रैंक वाले बच्चे पीछे रह गए क्योंकि उन्हें पता नहीं चला, पता एक्चुअली वो खुद घर ही बैठे रहे, वो सोचते रहे कि देखी जाएगी, 2 दिन पड़े हैं, आज जाएंगे कल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों, अगर आप वाकई एडमिशन लेने के इंटरेस्टेड में हो तो आपको अब 1 महीना घर से निकलना पड़ेगा, आपको बिल्कुल अपने एक एक डिपार्टमेंट के इन टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हर दिन चलती जाएंगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अपने डिपार्टमेंट के टच में हमेशा रहना तो एडमिशन। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स। आप चले जाते हो एडमिशन लेने, खाली हाथ चले जाते हो, कोई जहाँ 1-2 डॉक्यूमेंट उठा लिए, चल गए एडमिशन लेने चले गए, ऐसे थोड़ी एडमिशन मिलती। एडमिशन तो मिलेगी आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन पे। आपने जो JUET के एडमिशन फॉर्म में जो चीज़ें आपने फिल की थी, क्या वाकई वो करेक्ट थी? वो तो कोई फेक भी फिल कर सकता था। अब पहले वो चीज़ें चेक होंगी, जो मार्क्स आपने अपलोड किए, जो कैटेगरीज आपने सेलेक्ट की, क्या वो सच में है आपके पास? वो कहाँ से चेक होंगी? आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक होंगी। मार्क्स तो कोई भी झूठे फिल कर सकता है। अब जिसकी मार्क्स गलत आते हैं, कोई चीज़ गलत आती है, वो बच्चा सीधा रिजेक्ट, चलो वो काम तो उसका वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पहले आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? JUET का एडमिशन फॉर्म, जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया, अब वो आप लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्कोर कार्ड भी वहाँ पे अवेलेबल है। पहले बड़े सारे बच्चे कहते थे स्कोर कार्ड नहीं है, लेकिन वो अब लिंक आ गया है, आप लॉगिन करिए, वहाँ पे आपको स्कोर कार्ड का लिंक भी दिखेगा, आपको एडमिट कार्ड का लिंक भी दिखेगा और एडमिशन फॉर्म का लिंक भी दिखेगा। ये तीनों को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने 5 कोर्सेज की प्रेफरेंस दी हुई है तो फिर 5 फॉर्म डाउनलोड कर लो, क्योंकि जिस कोर्स में भी आप जाओगे वहाँ पर वो तो सबसे पहले यही मांगेंगे कि फॉर्म लाओ JUET का, क्योंकि उन्होंने वहीं से वेरीफाई करना है आपका रिकॉर्ड। 10th क्लास की मार्कशीट, जो भी मार्कशीट आप लेके जाओगे उसकी जीरोक्स कॉपी भी करवा लो, 1-2, क्योंकि जीरोक्स तो देनी पड़ेंगी, और ओरिजिनल भी लेके जाओ, क्योंकि ओरिजिनल से ही वेरीफाई होगा, जीरोक्स कॉपी से कभी वेरीफाई नहीं होगा आपका रिकॉर्ड। आपका रिकॉर्ड हमेशा ओरिजिनल कॉपी से ही वेरीफाई। 10th की मार्कशीट चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट उन बच्चों के लिए भी चाहिए जो अंडर ग्रेजुएशन के थ्रू वो क्या कहते हैं ऑनर्स कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं 12th बेस्ड पे। 12th की मार्कशीट ओरिजिनल जेरोक्स कॉपी। आप सेमेस्टर ग्रेजुएशन अगर सेमेस्टर सिस्टम किया है तो 1-6 सेमेस्टर आर ओरिजिनल कॉपीज लेके ही जाना पड़ेगा। जीरोक्स तो खड़नी पड़ेंगी बट ओरिजिनल भी आपको लेके जाना पड़ेगा। इन केस सम ओरिजिनल कॉपी यूनिवर्सिटी की वजह से आपको नहीं मिल रही, याद रखना, अगर यूनिवर्सिटी की वजह से, आपकी अपनी गलती की वजह से, कुछ बच्चे होते हैं उनका रिजल्ट दिसंबर में निकला हुआ, अभी तक उनको ओरिजिनल मार्कशीट का ही नहीं पता, कभी बच्चे कॉलेज में लेने ही नहीं जाते, कभी यूनिवर्सिटी में लेने ही नहीं जाते, तो उसमें गलती यूनिवर्सिटी की नहीं है, गलती आपकी है। लेकिन अगर किसी रीजन से यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाई तो उस केस में आप रिजल्ट की गजट लेके जा सकते हो, नेट वाली मार्कशीट लेके जा सकते हो, ज़्यादा जो वो होती है वैलिड वाली होती है वो रिजल्ट की गजट की कॉपी होती है, वो आप दिखा सकते हो। बट अगर आपकी मार्कशीट बनी है और आपने नहीं ली तो गलती आपकी है, फिर वो यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी इस चीज़ को। फॉर सभी सेमेस्टर 1-6 की ऑल मार्कशीट्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 सेमेस्टर की मार्कशीट्स। BEd की, अगर आपने MEd में एडमिशन लेनी है तो BEd की मार्कशीट है बहुत ज़रूरी है, 1-4 सेमेस्टर। अगर PG ऑप्शन, कभी कभी इन केस आपने PG की है, PG के बाद आप MEd करने जा रहे हो, जब BEd जो भी कुछ है, अगर PG आपने फॉर्म में फिल किया हुआ PG की डिटेल्स, तो उसकी मार्कशीट्स भी आपको साथ में लेनी पड़ेंगी, सबकी जीरोक्स और ओरिजिनल। ओरिजिनल बहुत ज़रूरी है, वेरीफिकेशन सारी ओरिजिनल से ही होनी है। अब आते थे कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ बच्चे रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हैं, जैसे SC ST वगैरह जो भी, ठीक है, OBC ALC सिंगल गर्ल चाइल्ड वार्ड डिफेंस जो भी, ठीक है। अगर आपने इस कैटेगरी के थ्रू फॉर्म फिल किया है तो आपको इसकी जीरोक्स कॉपी और ओरिजिनल ये भी लिखे जाने पड़ेंगे।
जब तक ओरिजिनल नहीं होगा, वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तब तक आपकी वो कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। तो उसके जेरोक्स का भी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो वो आपको लेके जाने पर, अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो नई सेक्शन आई है इसका भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऐसे आप मुंह से नहीं बोल सकते कि मैं भी इकोनॉमिकली वीक हूँ तो मेरा भी कंसिडर करो। जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तब तक तो भूल जाओ। अब कुछ बच्चे अचीवमेंट कैटेगरी के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं, जैसे एनसीसी एनएसएस या बार्स कोर्स वाली कल्चरल वाले, उनको भी अपने जितने सर्टिफिकेट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी लेनी पड़ेगी, और सभी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी उनके लेके जानी पड़ेंगी सब डॉक्यूमेंट्स की। अब कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, ये जानने के लिए आप स्टेट क्यों नहीं हैं, कुछ डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट वाले लेते हैं कुछ नहीं लेते, बट आप ले लो ओरिजिनल एंड जेरोक्स। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लगेगा, ठीक है, ये इसकी जेरोक्स कॉपी नहीं लेगी यूनिवर्सिटी, इन ओरिजिनल लेगा आपसे। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है जहाँ पे आपने लास्ट क्लास अटेंड की होती है। फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स आपको कॉलेज में मिलेगा, अगर आप कोई प्राइवेट एग्ज़ाम दे के पास हो रहे हो, जैसे अभी जस्ट सेकंड सेम का रिजल्ट आया CBS का और वो पास हुए, तो इन केस में इन बच्चों को जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी से मिलेगा। आपको यूनिवर्सिटी को जाके वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, 550 फ़ी पे करनी पड़ेगी, वो यूनिवर्सिटी आपको बना के देगी। बट जो बच्चे अभी 6 सेमेस्टर रेगुलर होके पास आ रहे हैं तो उनको अपने कॉलेज से मिलेगा, ये ओरिजिनल सबमिट होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको वैसे मिलेगा, लास्ट कॉलेज में जो अटेंड किया कॉलेज वाले देंगे, अगर आप प्राइवेट हो तो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से बना सकते हो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट। फ़ोटोग्राफ्स ले लीजिए, कलर्ड फोटोग्राफ्स 5-6-7 फोटोग्राफ में साथ ले लीजिए, ये कभी जरूरत पड़ सकते हैं वहाँ पे फॉर्म पे लगाने के लिए। अब बात आ जाती है एफिडेविट्स। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के साथ कुछ एफिडेविट देने पड़ते हैं, एक एफिडेविट है वो सब स्टूडेंट के लिए कॉमन है, तो कुछ एफिडेविट्स हैं जो कैटेगरी वाइज एफिडेविट बने हुए। अब ये चीज़ एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपका एडमिशन में नाम आ जाता है, सपोज आप जाते हो नाम आ जाता है, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होते, मतलब एफिडेविट ही नहीं है, तब भी एडमिशन नहीं होगी। फिर आप भागोगे एफिडेविट बनाने के लिए, और एफिडेविट बनाते रहोगे उधर से एडमिशन का टाइम खत्म हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी वेट थोड़ी करेगी कि वो बच्चा गया है एफिडेविट बनाने के लिए तो मैं उसका इंतज़ार करूँ, नहीं, आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स अभी से ही बना के रखना पड़ेगा, अभी से ही अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर आपने 4-5 कोर्सेज की प्रेफरेंस दी हुई है और आपको लगता है कि इसी कोर्स में भी मेरा नाम आ सकता है या उसमें भी आ सकता है, तो आपको हर कोर्स के लिए अलग से एफिडेविट अभी से बना के रख लो। अभी आपके पास दिन है, 4-5 दिन का टाइम है, ठीक है, तो अभी से ये ना हो कि आप पहले इंतज़ार करो नाम का, फिर नाम के बाद भागो दौड़ो, फिर वो चीज़ आपके लिए भी खजल है और सबके लिए। तो आपको पहले से ही एफिडेविट बना के रखने पड़ेंगे। अभी 2-3 दिन जो है वर्किंग डेज हैं, आप कोर्ट में जाके बना लो, शायद मुझे याद है एशिया के बैक साइड में बनते हैं, वहाँ से जाके बना लो, किसी भी नोटरी से जाके बना लो एफिडेविट्स। पहले से ही अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एकदम तैयार करके रखो। तो इसमें कुछ एफिडेविट देख लीजिए, ये एफिडेविट की हेडिंग है, ये आपको नहीं मिलती तो JUET की वेबसाइट पे भी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ हेडिंग्स, उन सब के लिंक, आपको एफिडेविट कैसे बनाने हैं और क्या क्या हेडिंग्स लिखनी है। ये पहला एफिडेविट आपको जो करना है, टाइम ऑफ सबमिशन गैप, ये गैप होता है बेसिकली, आपने सपोज करो आपकी ग्रेजुएशन पिछले साल कंप्लीट हो गई हो, पिछले एक अभी एक साल तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, घर में ही थे, तो आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा गैप का कि पिछले एक साल में आप क्या कर रहे थे, हमने कोई और कोर्स तो ज्वाइन नहीं किया, कहीं और यूनिवर्सिटी में जाके कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया और हमें धोखे में रख रहे हो, तो ये गैप का सर्टिफिकेट है। उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट यहाँ पे है रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST के थ्रू ले रहे हो तो आपको ये वाला एफिडेविट देना पड़ेगा, यही वर्डिंग सेम लिखनी पड़ेगी उसमें सब कुछ। थर्ड यहाँ पे एफिडेविट अगर आपने देना है, अगर स्टूल कास्ट है तो SC कैटेगरी में हो तो फिर ये वाला एफिडेविट, इसके अलावा अगर आप स्टूल ट्राइब्स हो या बैकवर्ड क्लास के लिए ये वाला है,
चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सन वालों के लिए ये वाला एफिडेविट बनाना है एक सर्विसमैन के लिए, और ये एक एफिडेविट है यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ये हर एक कैंडिडेट को बना के देना है, ठीक है। तो ये एफिडेविट जो है ये हर एक बच्चे ने बनाना ही बनाना है, तो ये आप अभी से 2-3 एफिडेविट बना के रख लो, क्योंकि आपको पता है ये तो देना ही देना है, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी या ओल्ड कैटेगरी जो भी कैटेगरी के बच्चे हों उनको ये एफिडेविट देना ही देना है, ठीक है। इसके बाद ये एफिडेविट अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आप एडमिशन ले रहे हो तो ये वाला एफिडेविट देना पड़ेगा। उसके बाद कल्चर स्पोर्ट्स में अगर ले रहे हो अचीवमेंट कैटेगरी तो ये वाला एफिडेविट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो जो एडमिशन के लिए ज़रूरी हैं ये आपको पहले से ही अब तैयार रखने पड़ेंगे, पूरे एक सेट बना के अपने पास रख लो। जैसे ही आपको लगता है एडमिशन में नाम आया एक मिनट में दे दिए, आपको कहीं आगे पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आगे ही बड़ा ज़्यादा आप भाग दौड़ लगा हुए हैं अभी, तो इससे अच्छा कि कुछ काम अभी से ही कर लो। ये सारा डॉक्यूमेंट्स जीरोक्स करवा के सेल्फ अटेस्टेड करवा के इनके सेट बना के रख लो, एफिडेविट्स अभी से बना के रख लो, फोटोग्राफ्स अपना ओरिजिनल अगर ने करेक्टर नहीं लिया प्रोविजनल नहीं लिया सभी जाके, तभी यूनिवर्सिटी ने थोड़ा टाइम दिया है बीच में कि अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लो डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। उस वक्त किसी कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं आज नहीं दूंगा, कल दूंगा या परसों दूंगा, तब नहीं। ऑन स्पॉट अगर आपने पूरी रिक्वायरमेंट की तो एडमिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और एक बार जो लिस्ट में से बच्चा मिस हो गया फिर दोबारा उसको चांस नहीं मिलेगा। अगर आज की लिस्ट में आपका नाम आता है और आप नहीं चाहते एडमिशन लेने तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, आप हमेशा के लिए वहाँ से कट ऑफ हो जाओगे। ये बात याद रखना। बड़े सारे बच्चे इस ख्वाब में होते हैं ठीक है यार इसमें नहीं जाते अगली में चले जाएंगे, वो नहीं होगा। एक लिस्ट में नाम आया है और अगर उसका टाइम आज तक है, आज तक अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आप हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। किसी वजह से नहीं ले पाते तो एक अपील फॉर्म फिल कर सकते हो, वो लास्ट में फिल होता है लेकिन वो तब तक देखा जाता है कि अगर कोई सीट्स वेकेंट पड़ी आप निकल गए आपसे लोएस्ट रैंक वाले बच्चे को वो सीट मिल जाएगी और उसने एडमिशन ले ली। अगर एक बच्चे ने एडमिशन ले ली तो कोई बच्चे की मर्जी के बिना उसको वहाँ से हटा नहीं सकता, ठीक। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखना। चलो पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डिपार्टमेंट के इन कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। आप फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि आप नेट पे ये होगा तो वो होगा, आपको वहाँ पे जा कंटिन्यूसली विजिट करना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट मेरिट लिस्ट निकालता जाएगा, उनका अपना टाइम शेड्यूल होगा, उनका सब कुछ अपना होगा, कितने टाइम देते हैं, कभी एक दिन देंगे कभी दो दिन देंगे कभी उसी दिन निकालेंगे उसी दिन देंगे, ये सब हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कहानी होगी। आपका अपना डॉक्यूमेंट सभी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल में भी जीरोक्स कॉपी में भी आपके पास होना चाहिए। तो ये जब सब चीज़ें आपके पास हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि आपको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि आप आओ एडमिशन लो, एक अपनी नई शुरुआत करो। यूनिवर्सिटी जो लाइफ होती है वो कॉलेज लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपको नए नए स्टूडेंट्स वहाँ से मिलेंगे, अपने सीनियर्स मिलेंगे, आपको स्कॉलर्स मिलेंगे, आपको हायर एड प्रोफेसर्स मिलेंगे, ठीक है। और आप बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है कॉलेज लाइफ से। और आप यही विशेष है कि आप अच्छे से पढ़ो, बड़ी दूर तक जाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ, हर चीज़ का एंजॉय भी करो, ठीक है। ओके थैंक्स।